हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं लेके आई हूँ हिंदी का पेपर, हाई स्कूल मीन्स टेंथ का 2023 का, जो कि सेट डी है। इसमें मैक्सिमम मार्क्स 75 है, टाइम है 3 आवर्स का। हिंदी में मैंने देखा है कि सब मिनिमम लोगों को बहुत कम मार्क्स आ पाते, क्योंकि इस वजह से क्योंकि हिंदी के पेपर में सबसे अधिक उसमें व्याकरण दी जाती है। व्याकरण में ग्रामर ग्रामक ग्रामर अधिक से अधिक हिंदी के पेपर में दी जाती है, और चाहे वो ऑब्जेक्टिव में हो या क्वेश्चंस में हो, तो हमको सबसे पहले ज़्यादा से ज़्यादा हमें ग्रामर पढ़नी चाहिए हिंदी के पेपर में, ताकि हमें अच्छे मार्क्स आ पाए। तो चलो देखते हैं हिंदी का पेपर। फर्स्ट हम इंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे। फर्स्ट में सभी प्रश्नों के उत्तर लिखिए, मतलब पता है कि सभी प्रश्नों के उत्तर लिखना कंपलसरी है। सेकंड है, प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं। प्रत्येक उप प्रश्न के लिए एक एक अंक, कुल 30 अंक निर्धारित है। मीन्स 1 से 5 तक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, जो कि 30 मार्क्स के हैं। हर एक के लिए एक एक मार्क्स दिए हैं। तो थर्ड है, प्रश्न क्रमांक 6 से 17 तक अति लघु उत्तरी प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2-2 अंक निर्धारित है। शब्द सीमा भी दे रखी है, लगभग 30 शब्द में लिखना है आपको। 6 से 17 तक अति लघु उत्तरी प्रश्न है, मीन शॉर्ट एंड वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, जो 2-2 मार्क्स के हैं। उनको आपको 30 शब्द में लिखना है, 30 शब्द में 7-8 लाइन में। फोर्थ है, प्रश्न क्रमांक 18 से 20 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है, मतलब शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है ये। प्रत्येक प्रश्न के लिए 3-3 अंक निर्धारित है, 3-3 अंक निर्धारित है। उसकी शब्द सीमा है 75, मीन्स 18 से 20 लाइन आपको लिखना है। फिर प्रश्न क्रमांक 21 से 23 तक विश्लेषणात्मक प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 4-4 अंक निर्धारित है, तो 4 मार्क्स के लिए आपको 120 शब्द में लिखना है। 120 शब्द में 1.5 से 2 पेज। तो देखते हैं हिंदी का पेपर। फर्स्ट है सही विकल्प, जो कि 6 मार्क्स के हैं। सेकंड में है रिक्त स्थान, जो कि 6 मार्क्स का है। थर्ड में है सही जोड़ी, जो कि 6 मार्क्स की है। फोर्थ में है एक वाक्य में उत्तर लिखिए, जो कि 6 मार्क्स का है। पांच में है सत्य असत्य का चयन कर लिखिए, जो कि 6 मार्क्स का है। 6 नंबर पे है क्वेश्चन आंसर, जो कि ऑप्शनल है, 2 उसमें से 1 करना है, जो कि 2 मार्क्स का है। 7th भी ऑप्शनल है, जो कि 2 मार्क्स का है। 8th भी उसके ऑप्शनल में एक और क्वेश्चन दिया है, जो कि 2 मार्क्स का है। 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 और 17, ये सभी 2-2 मार्क्स के हैं। इसके ऑप्शन में आपको एक एक क्वेश्चंस दिया है, जिसमें आपको 1 करना है। 18 क्वेश्चन है, वो 3 मार्क्स का है। 19 में आपको गद्यांश दे रखा है, जो सब प्रसंग सहित व्याख्या करना है, जो कि 3 मार्क्स का है, तो आप सब प्रसंग सहित ही इसकी व्याख्या करें। 20 नंबर पे है जो कि पद्यांश है, उसके अथवा में भी दे रखा है, आपको दोनों में से 1 करना है। पद्यांश की भी सब प्रसंग सहित व्याख्या करें, जो कि 3 मार्क्स की है। 21 नंबर पे है जो है निबंध लिखना है। निबंध आपको बेटर रहेगा कि आप रूपरेखा के सहित ही निबंध लिखें, जो कि 4 मार्क्स का है। 4 मार्क्स का है, तो आपको मिनिमम 3 से 4 पेज आप लिखें ही निबंध। उस पर 4 सब्जेक्ट दिए, उसके ऊपर से 1 विषय पर आपको लिखना है निबंध। 22 नंबर पे है आवेदन पत्र, और उसके अथवा में भी पत्र ही है, जो कि 4 मार्क्स का है। 23 नंबर पे है गद्यांश और काव्यांश, इनको पढ़ के उत्तर देना है, जो कि बहुत इजी है, जो कि 4 मार्क्स का है। सो ये है हिंदी का पेपर। अगर आपको मेरे स्टडी मटेरियल से हेल्प मिली है, तो आप इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू।